हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और देखिए दोस्तों, क्या लगा हुआ हमारे गार्डन में। और ये हमारा फ्रंट गार्डन है, जैसे कि हमने शुरू से आप लोगों को दिखाया हुआ था कि इसमें जब से मिट्टी डलवाई है, फिर इसके बाद जब जैसे जो भी इसमें काम हुआ है हमने आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए अब ही इसमें क्या कुछ हुआ है, क्या लग चुका है तो दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये प्लांट लगा हुआ है, फ्लावर प्लांट है, साल्विया का प्लांट है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल भी आने लग गए हैं और कुछ फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं, कुछ वेजिटेबल लगी हुई हैं। तो चलिए आप लोग को आज पूरा दिखाते हैं और बताइएगा आप लोग कैसा लगा गार्डन का लुक, कैसा है हमारा गार्डन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ऑनलाइन इसके सीड जो थे परचेस किए थे, फ्लावर सीड। और देखिए उसको हमने जर्मिनेट किया था, बहुत अच्छा फ्लावर हुआ है प्लांट। और इसमें फूल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस फूल की खास बात यह है कि ये 15 दिनों तक खिला रहता है, 15 दिन के पहले ख़त्म नहीं होता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं पहले झड़ती नहीं है, 15 दिनों तक खिली रहती हैं, इसके बाद झड़ती हैं। बहुत अच्छा फूल होता है इसका, बहुत अच्छा देखने में लगता है कलर। और देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं अभी आप लोग। और कुछ हमने साइड साइड में फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं, देखिए ये सेवंती है, देख सकते हैं आप लोग छोटे छोटे इसके प्लांट लगे हुए हैं, ये मिट्टी में लगे हुए। ये रोज़ प्लांट हैं, ये अलग अलग कलर के हैं, जब जैसे इनका अपडेट आए हम लोग आप दिखाएंगे कौन से कलर के फूल आ रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज लगी हुई है। और फ्रेंड्स, गार्डन में चाहे टेरेस गार्डन हो चाहे ज़मीन वाला गार्डन हो, आपको प्याज लगाना बिल्कुल आसान है। आप कहीं भी मिट्टी में, आप जैसे भी मिट्टी हो आप लोगों की, उसमें आप प्याज लगा दें, बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है प्याज का। बहुत आसान है प्याज उगाना गार्डन में, आप उगा सकते हैं। और देखिए, अगर आप अपने गार्डन को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो प्याज एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप अपने गार्डन में लहसुन और प्याज लगा दें। इससे जो होते हैं गार्डन में कीड़े भी बहुत कम लगते हैं, जो इनकी गंध होती है इससे कीड़े भी नहीं होते, फंगस वगैरह हमारे गार्डन में नहीं होते। देखें, इसमें मैंने प्याज लगाया हुआ है और इसमें अमरूद का प्लांट लगा हुआ है, इसका लगाने का यही रीज़न था, देखिए प्याज लगाने का। हमारा गार्डन भी हरा भरा बना रहता है और हमें ताज़ी प्याज हार्वेस्ट करने को मिलती है और हमारे गार्डन की सुरक्षा भी होती है। इस तरीके से देखिए हमने प्याज लगाया है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बीच में लहसुन लगा सकते हैं, बीच बीच में देखिए मैंने कुछ लगाए हैं, साइड साइड से लहसुन भी लगे हैं। और ये बीच में गाजर लगी हुई है अभी, हालांकि गाजर जो है तो अभी लगाई है तो थोड़ा सा निकलने में टाइम लग रहा है क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है। और ये देखिए थोड़े छोटे छोटे आपको टमाटर के पौधे दिख रहे होंगे। और ये भी देखिए दिन था से ये छोटा सा इसका प्लांट भी है, इसमें फूल आ रहे हैं लेकिन अभी थोड़े से कम आ रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मूली, ये है पालक, ये मूली, इस तरीके से देखिए टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ भी देखिए फ्लावर प्लांट है, ये भी बहुत सुंदर है, इस तरीके से बहुत अच्छे फूल निकलते हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और देखिए कुछ इस तरीके से लगी हुई हैं, ये भी इधर हर जगह देखिए मूली और पालक लगी हुई है। और मैं आज आप लोगों को पूरा गार्डन दिखाती हूँ और क्या लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगी हुई है हमारी मेथी। और देखिए मेथी जम आई है, हो गई है, जर्मिनेट हो गई है। देखिए मेथी दो दो पत्ते भी आ चुके हैं, इसमें दो दो तीन तीन पत्ते आ गए हैं और मेथी भी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। और फ्रेंड्स, इसमें कोई केमिकल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी अपडेट दिया था आप लोगों को, सिर्फ गोबर की खाद, क्योंकि ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, हम लोग अपने यूज के लिए लगाए हैं तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी पालक है, जो आपको छोटी छोटी दिख रही हैं ये पालक है। अभी हम आप लोगों को इसका दिखाएंगे, धनिया हम लोगों ने लगाई थी और बहुत अच्छा रिजल्ट फ्रेंड्स मिला है। धनिया, पूरे धनिया जर्मिनेट हो गई है, आप लोग देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये धनिया है, ये पूरे धनिया जर्मिनेट हो चुकी है, बहुत हुई है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे गार्डन में। आप लोग देखिए, मिट्टी भी नए तरीके से डाली थी हम लोगों ने, गोबर ऐड करके मिट्टी डाला हुआ था, अभी इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं पड़ा हुआ। देखिए भी कहीं कहीं आपको टमाटर के पौधे दिख रहे होंगे, ये देखिए ये भी दो टमाटर के पौधे हैं लग गए हैं। और ये देखिए पूरे यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने धनिया लगाई हुई है। और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेथी लगी हुई है, यहाँ पर हमने मेथी लगाई हुई है। और देखिए मेथी, और ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में थोड़े से मटर के दाने डाले थे हम लोगों ने, सीड डाले थे। देखिए मटर का पौधा उग आया है,
भी कुछ और पौधे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने एक पपीता का पौधा लगाया हुआ था, आप लोग के साथ शेयर भी किया था देखिए। और ये एलोवेरा प्लांट है, हम लोगों ने इसको गमले से हटा दिया है, लेकिन एलोवेरा प्लांट इतना अच्छा होता है कि एक बार गार्डन में आ जाता तो जल्दी ख़त्म नहीं होता। देखिए हमारा पपीता का पौधा कैसा है और बताइएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेथी और टमाटर के पौधे कुछ इस तरीके से हो गए। यहाँ भी देखिए, ये भी मटर का पौधा है, ये भी छोटे छोटे मटर के पौधे हैं, आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा। और चलिए फ्रेंड्स, और आप लोग को दिखा, ये देखिए यहाँ पे भी मूली है, और देखिए मूली दो दो पत्ती, तीन तीन पत्ती की होने वाली है। और ये देखिए छोटू सा फ्लावर प्लांट है, बहुत सुंदर लग रहा है गार्डन में हमारे ये। और देखिएगा आप लोग बताइए कैसा लगा। और देखिए इसमें बहुत ढेर सारी कलियाँ भी आ रही हैं, छोटी छोटी कलियाँ बन रही हैं, और ढेर सारे फूल आने वाले हैं इसमें इस तरीके से देखिए हम। और ये देखिए छोटे छोटे मिर्ची के पौधे भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ गार्डन में, और ये देखिए प्याज। फ्रेंड्स हमारा गार्डन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए अमरूद में भी न्यू न्यू ब्रांच आई हैं, और ये देखिए कुछ ऊपर के प्लांट हैं जो सीढ़ियों में रखे हुए हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।